आदिवासी बाहुल्य जिला डिंडोरी में पूर्व मंत्री की धर्मपत्नी सत्ता और धनबल के नशे में चूर होकर मोबाइल में अपने कार्यकर्ताओं के साथ गुंडागर्दी कर रही हैं। सोशल मीडिया में एक ऑडियो भी बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिस ऑडियो में मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री एवं वर्तमान राष्ट्रीय मंत्री ओम प्रकाश दुर्वे की पत्नी ज्योति प्रकाश दुर्वे, जो कि हाल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ी थी, उसमें उन्हें जीत भी हासिल हुई है। वहीं ये पूर्व में भी लगातार दो बार जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर आसीन रह चुकी हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष पद जिले के विकास का सबसे बड़ा संस्थान है, जिसमें सरकार के विकास कार्यों के लिए करोड़ों अरबों रुपयों का आवंटन किया जाता है। उक्त आवंटित राशि को उपयोग करने का अधिकार केवल अध्यक्ष को ही होता है। वहीं दो बार के कार्यकाल में अपार माया संस्था से इन्होंने कमाई की है। शायद यही वजह है कि तीसरी बार फिर से अध्यक्ष बनने की चाहत में मैडम ने भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को मोबाइल पर सरेरा चप्पल जूते मारने के साथ साथ देख लेने की भी धमकी दे डाली। और तो और, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी अमर्यादित शब्दों से संबोधित कर डाला। इन्हें सत्ता और धनबल का इतना गुरूर हो चला है कि जिसके कारण आज पद हासिल करने के चलते ये कुछ भी कहती हुई नजर आ रही हैं, जबकि भाजपा पार्टी एक संस्कारी पार्टी है। इनके पति स्वयं राष्ट्रीय मंत्री के पद में आसीन हैं। आदिवासी बाहुल्य डिंडोरी जिले की जनता इस बात को लेकर चिंतित नजर आ रही है कि जो महिला अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को खुलेआम मोबाइल पर जूते चप्पल मारने के साथ माँ बाप तक को देख लेने की धमकी दे रही है, उससे जिले के विकास में क्या उम्मीद की जा सकती है। सोशल मीडिया में खुलेआम ऑडियो वायरल होने के बाद हाल में ही जीत हासिल करने वाले जिला पंचायत सदस्य भी इससे भयभीत नजर आ रहे हैं, जबकि जीते हुए सदस्यों के मतों से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होना बाकी है। हालांकि वायरल ऑडियो की विराट 24 न्यूज पुष्टि नहीं करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। अभी हम लोग कर रहे हैं, तू क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है? वीरू की रिकॉर्डिंग भी आ गई। अभी पंकज से बात किया कि कार्ड कब बट रहे हैं, मोटरसाइकिल से किसके जाएंगे, और मैं अगर रोड पे लाके मारी ना तो तेरा बाप भी नजर आ जाएगा। तो मैं अपनी औकात पे अगर आ गई, मैं दुर्वे जी नहीं हूँ। अरे तो भाभी मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं नहीं हूँ उसमें। तुम्हें कहाँ मिल रहा हो, क्या कर रहा हो गाड़ी के अंदर, मैं बता दूंगी। मैं पार्टी आर्टी नहीं देखूंगी, इतने जूते मारूंगी ना रोड में, सुधर जाओगे। तुम लोग पंकज को भी बोल दे, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारा, अपनी राजनीति खुद खत्म किया। मैं दो दिन चुप हूँ, मात्र दो दिन चुप हूँ। अरे भाभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आपको गलत इन्फॉर्मेशन। मेरी बात को रिकॉर्ड कर ले, चाहे प्रदेश अध्यक्ष को बता दे, चाहे मुख्यमंत्री को बता दे। दो दिन बाद मैं तुम लोगों का क्या हसर करूंगी, तुम्हारे बाप ने भी नहीं सोच रखा होगा। ये लास्ट शब्द है मेरा। अरे भाभी मैं जब कुछ करूँ तब आप मेरे को बोलो ना। पंकज को भी बता दे, जो तुम लोग चार लोग घूम रहे हो ना, अवध हो, तुम हो, वीरू केसवानी है, पंकज है ना, मैं स्पष्ट बोलती हूँ, साफ बोलती, मैं एक चीज बता दे रही हूँ। अरे भाभी मेरी बात को रिकॉर्ड कर, सुनो तो आप मेरी बात। मैं कुछ नहीं सुनूंगी, मेरे पास प्रमाण आया है, उसके बाद मैं तेरे से बात। इतने दिन से मैं चुप थी और मुझे शांत किया गया था कि अभी दो दिन मैं और चुप रहूं, और आज प्रमाण आया। जब अभी वीरू ने पंकज से बात किया कि कार कितने बजे बजेंगे, तुम लोग कहाँ पर खड़े थे गाड़ी में, कल कितने, परसों कितने बजे बैठे थे, सब प्रमाण आने के बाद मैं तेरे को लगा के बात कही। मैंने गुरु जी को जरूर हिंट किया था, और मैं माँ नर्मदा के कान की एक गुरु आश्रम पे चुप थी। अब मैं रोड पे मारूंगी, मैं एक चीज बता दे रही हूँ, जिसके बाप को दम है मेरे को हरा के दिखा दे, मैं तेरे को एक चैलेंज कर रही हूँ। अभी मैं था ही नहीं, मैं हूँ ही नहीं, तो मेरा नाम मैं हूँ ही नहीं। तू जान ले, तू अवध को बता दे, तू पंकज को बता दे, मैं बोल दे, उल्टे दिन गिन ले वो कितने दिन बैठा है नगर पंचायत से, निकाल निकाल के ना मारी ना मैं, जितने घोटाले किया ना साले, 16-16 हजार की जो लाया है ना लाइट, सारा प्रमाण है। जिस दिन मैं रोड पे निकाली ना, तो उस दिन बोला थूकेगा भी नहीं कोई तेरे ऊपर। मेरे को तेरी बात कोई नहीं सुनना, मेरे पास प्रमाण आया है, आज क्या करने वाले, किसकी गाड़ी जाने वाली, सब आया, रिकॉर्डिंग आई है। तू भी है, मैं हूँ ही नहीं, मैं डिंडोरी में हूँ, मैं तीन चार दिन से समनापुर से घूम रहा हूँ एक हफ्ते से।